हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप से रवि दियोरा जी मौजूद हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच इरीना स्वदेश को समय देने के लिए। कच्चे तेल से पहले शुरुआत करते हैं सर, क्या व्यू बन रहा है आपका? काफी वीकनेस आ चुकी है यहाँ पर भी, और कमजोरी देख रहे हैं कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली लास्ट सेशन में काफी बड़ी कमजोरी कच्चे तेल में, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव थोड़े वीक हो रहे हैं, तो इस हिसाब से लगातार वहां पे बिक वाले बने हुए। हालांकि जियो पोलिटिकल टेंशन थोड़े रेज हो रहे हैं, पर्टिकुलर जो वीकेंड में मिडल ईस्ट से न्यूज आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बॉटम के करीब है। अभी सेल करना रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं है। अगर आज के दिन में थोड़ा डिप मिलता है 4 से 6070, एक बार बाय पोजिशन कर 6000 के स्टॉप लॉस के साथ, अपर साइड लग रहा है इंट्राडे में 6250 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, हालांकि एक शॉर्ट कवरिंग के लिए आज के लिए ट्रेड करता है। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है कच्चे तेल में, तो निचले स्तरों पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखिए। रवि जी, और कहां पर मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए कमोडिटी मार्केट में? थोड़े इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लग रहा है कि थोड़ा हाई लेवल से सिल्वर में विक्वाली का रुख रखना चाहिए। हालांकि गोल्ड फिर भी पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल इवेंट है, साथ में जो इक्विटीज में एंड बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गोल्ड को मिलेगा। बट सिल्वर जो बेस मेटल के हिसाब से काफी क्यू लेके चल रहा है, तो सिल्वर लग रहा है कि वहां पे सेल करें। स्टॉप लॉस लगा है 83,280 का और 81,800 के टारगेट के लिए, वहां पे बिकवाली करनी चाहिए। वही नेचुरल गैस में लगातार इन्वेंट्रीज बिल्डअप हो रही है, एंड पर्टिकुलर वहां पे लग रहा है कि जिस हिसाब से क्रूड में भी गिरावट है, मींस एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी थी बट वो आर्बिट्रेज अब खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा बिकवाली का ही ट्रेड लेना है। नेचुरल गैस के अगस्त फ्यूचर में बिकवाली करे 160 के टारगेट के लिए 170.10 के साथ। ठीक है, तो नेचुरल गैस में बिकवाली करने की सलाह है, नेचुरल गैस सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय 83,010 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में। रवि जी, बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए।